तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल वर्किंग प्रोफेशनल्स में डेटा हैंडलिंग का चैप्टर, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी सिलेक्शन मेथड की। अब मैं सिलेक्शन मेथड से आगे की चीजों पे चलता हूँ। तो सिलेक्शन मेथड में आपने सीखा किस तरह से हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। उससे पहले हमने आपको बताया प्रोटेक्शन मेथड या हाउ कैन प्रोटेक्ट द डेटा। आज हम इससे आगे की चीजों पर डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे डेटा हैंडलिंग के बारे में। उससे पहले जैसे कुछ और ऐसे कि फॉर्मेट एज टेबल है। अब फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है, अब एक चीज को एक बार जान लीजिए। उसके लिए छोटा सा डेटा हम इस पर बताते हैं आपको, छोटा सा डेटा एक बनाते हैं, आपको समझ में आएगा कि आखिर एक करता कैसे है। तो ये हमने छोटा सा मंथली कुछ फिगर आउट किया है, नीचे रख दिया। रैंडम फॉर्मूला मैं रैंडम नंबर लाने के लिए करता हूं। एक छोटा सा डेटा हमारे सामने है। इस डेटा को फॉर्मेट वगैरह करके एक डेटा फॉर्मेट में लाना होता है। तो आप लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, कलर करते हैं, बॉर्डर करते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें करते हैं। बट ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए और यहां आपके फॉर्मेट एज टेबल आपको दिखेगा। ऐसे इंसर्ट में भी ऑप्शन है, इसलिए कॉलम मेरा इंसर्ट पे चला गया था। इंसर्ट पे इसका काम हम करते हैं तो टेबल है, लेकिन यहां पे कई सारे फॉर्मेटिंग आपको दिख जाती है। तो फॉर्मेट एज टेबल में आप आएंगे और अपने जो जो जिस तरह का फॉर्मेट आपको पसंद है वो फॉर्मेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एंड क्लिक कर दीजिए। अब आपका उसी फॉर्मेट में आएगा या फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। अब ऐसा है जो फिक्स हो गया है, कोई और कलर चाहिए, कुछ और फॉर्मेटिंग चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। तो बने बनाए फॉर्मेट हो गया। अब इस एरिया का नाम टेबल हो गया। आगे चल के पिवट और बहुत सारे फॉर्मूले में ऑटोमेटेड डेटा सिलेक्शन में भी ये काम आता है, क्योंकि आगे क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करें। अब एक चीज यहां पे एक चीज और जानना चाहेंगे हम, हमारे एक इंटरव्यू में मुझसे किसी ने पूछा था कि ये जो एबीसीडी है इस पे हम डेटा का हेडिंग कैसे रखें। और मैं नॉर्मल डेटा पे आता हूं तो जब स्क्रॉल करते हैं तो हमारा हेडिंग गायब हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको दो नंबर को सिलेक्ट करके हमारे सामने व्यू के अंदर में होता है फ्रीज पेंस, फ्रीज पेंस को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम इसको क्या करेंगे, नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो हमारा फिक्स हो जाएगा। लेकिन मुझे फ्रीज पेंस नहीं करना है, मुझे फ्रीज पेंस। तो मुझसे पूछा गया था कि ये जो हेडिंग है मुझे इस हेडिंग को यहाँ एबीसीडी बना दो, एबीसीडी के ऊपर डाल दो, मतलब कि कॉलम ए ना दिखे यहाँ पे नेम दिखे जब मैं स्क्रॉल कर। तो ये बहुत पहले की बात है, तकरीबन 14-15 साल पहले की बात है। तो मैंने इसको कैसे किया था पता है सर, हमने इसको उठाया और इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, इसको हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद अब मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, एक्सपेंस नहीं किया हुआ है। सर जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं ये हमारा एबीसीडी ऊपर दिख रहा है। तो समझ में आ गई आपको सर, तो टेबल इसी यूज होता है। अब टेबल बहुत सारे लोग टेबल यूज नहीं करते हैं। टेबल यूज ना करने के पीछे एक रीजन है कि टेबल से कुछ प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि आगे क्लास में हम आपको बताएंगे। लेकिन मुझे इसको क्विक फॉर्मेट करना है
तो यहां आप देख रहे होंगे ये हमारे सामने दिख रहे होंगे आपका कि डिफॉल्ट फॉर्मेट है, यहां से आप डिफॉल्ट फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, जो फॉर्मेट लेना चाहे वो डिफॉल्ट फॉर्मेट आप यहां चूज कर सकते हैं, या खुद के फॉर्मेट यहां से आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है यहां पे इंसर्ट। इंसर्ट में जैसे आप अगर इंसर्ट सेल करना चाहते हैं या इंसर्ट शीट करना चाहते हैं यहां से इंसर्ट कर सकते हैं, या इंसर्ट कॉलम करना चाहते हैं। ऐसे डिलीट के लिए आपके सामने डिलीट है, जैसे कल बताया भी था आपको मैंने कि कंट्रोल प्लस जो होता है वो डिलीट करने के लिए होता है, एंड कंट्रोल माइनस जो होता है, नहीं कंट्रोल प्लस इंसर्ट के लिए होता है, कंट्रोल माइनस डिलीट के लिए होता है, यहां से आप डिलीट कर सकते हैं। अब फॉर्मेट में नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है, जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है कोई खास चीज है नहीं, आप कुछ सीख सकते हैं। अब बात करते हैं एडिटिंग में। एडिटिंग में हम बात करेंगे आपके साथ सबसे पहले ऑटो सम। जैसे हमने कुछ नंबर दिया यहां पे, नंबर देने के बाद अब मैं इसमें प्लस करता हूं, कंट्रोल प्लस किया हमने, कंट्रोल इक्वल किया हमने, तो यहां पे आ गया। जी हाँ, कंट्रोल इक्वल शॉर्टकट होता है ऑटो सम। तो आपको यहां सम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सम लिख देते हैं, पूरा रेंज देते हैं, इस रेंज को देने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑल्ट इक्वल प्रेस करें, आपका यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लग जाएगा, जस्ट आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, रिजल्ट आ गया। आप यहां से भी कर सकते हैं सम, यहां से काउंट। तो सिर्फ ऑटो सम के लिए हमारा शॉर्टकट है, बाकी के लिए तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, कोई डाउट नहीं इसमें? नहीं। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है ऑटो सम के बाद, यहां पे फिल। अब जैसे कि आपने देखते होंगे बार बार मुझे जब रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूं, यहां से रैंडम का फॉर्मूला लगाया, और लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि एरिया सेलेक्ट करते हैं और वैल्यू फिल हो जाती है। तो अब मैंने कंट्रोल डी किया तो जो रैंडम जो फॉर्मूला या जो भी वैल्यू है वो नीचे आ गया। अब यहां पे कंट्रोल डी किया यहां आ गया, कंट्रोल आर करेंगे तो यहां पे राइट आएगा। ओके, फिर से बोलना। तो कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर समझ में आ गया आपको, यहां से होता है कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर, डी फॉर डाउन आर फॉर राइट, मतलब कोई अगर आपको कॉपी करना है इसको कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करने के जगह पे आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर कर सकते हैं। इसमें आपके सामने अप और लेफ्ट भी है, अप और लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मैनुअल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है जस्टिफाई, मुझे माफ कीजिएगा अक्रॉस वर्कशीट। तो मुझे अक्रॉस वर्कशीट समझाने के लिए एक नया शीट लेना पड़ेगा, तब आपको अक्रॉस वर्कशीट समझना है। जैसे कि मेरे पास कई सारे शीट्स हैं और मुझे जो डेट लिखना है हर शीट पे लिखना है, मैंने यहां डेट लिखा और यहाँ आज का डेट दे दिया,
अब ये डेट मुझे जितने भी शीट्स है सारे शीट्स पे कॉपी पेस्ट करने हैं, तो कॉपी हमने किया, अगले शीट पे हम गए और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले शीट पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए हर एक शीट पे आपका सेम लोकेशन में पेस्ट हो। अब मुझे टाइप ही करना है तो पेस्ट क्यों करूं, हम शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं टाइम। अब जो भी मैं कर रहा हूं ये पूरी शीट्स पे एप्लीकेबल है, पूरी शीट पे एप्लीकेबल होगा। तो जैसे कि आपको एक ही लोकेशन में एक ही चीज को कई जगहों पे लिखना हो, रिपीट करना हो, तो आपको यहां अक्रॉस वर्कशीट आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा इसके लिए। अब कभी कभी क्या होता है कि टाइप नहीं करना है, मेरा ऑलरेडी टाइप है, अगर मैं यहां पे करता हूं लोकेशन, लोकेशंस में हमारा दिल्ली और ये हमारा फॉर्मेटेड भी है, तो मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लेकिन ये पूरा जो लिखा हुआ दिल्ली सब पे लेके जा। तो अभी आप देखेंगे यहां आपने फिल में एक क्रॉस वर्कशीट डिसेबल है। ये अनेबल कब होगा, जब शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अनेबल हो जाएगा। अनेबल हो गया, यहां देखिए ये आपका अनेबल हो गया। उसके बाद मुझे इस पे क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन मिलेंगे, ऑल मतलब कि आपको नॉर्मल कॉपी पेस्ट करना है, जाता है कंटेन, नहीं सिर्फ कंटेन में पेस्ट एज ए वैल्यू करना है, फॉर्मेट नहीं मुझे सिर्फ पेस्ट एज ए फॉर्मेट करना है, जो चाहिए उसको आप यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए, वो सेम चीज आपको यहां पे रिपीट करेगा। आ गया, विदाउट इसमें नहीं सर। अब हर एक सीट पे देखिए आ जाएगा, ये हमारा अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट के बाद अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपको सीक्वेंस देना होता है, 1 2 3 लिखते हैं और ड्रैग कर देते हैं, आपके सीक्वेंस आ जाते हैं। मुझे ऐसा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हमने 1 को लिखा और नीचे के तरफ हमने इसको ड्रैग किया, सीरीज पे आया। सीरीज में आप यहां देखेंगे कि हमने यहां पे लीनियर है, ग्रोथ है, डेट है एंड ऑटोफिल, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट लीनियर होगा। और स्टेप दर मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कितना गैप चाहिए वो आप यहां डाल दीजिए, और वैल्यू स्टॉप मतलब कि अगर आपने यहां 20 डाल दिया या 15 डाल दिया तो 20 या फिर 15 डाल दिए तो वहीं पे आके रुक जाएगा, अगर आपने ब्लैंक कर दिया तो जितने सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड एरिया में फिल कर देगा सिक्वेंस में। अब इसमें एक चीज और आता है कि अगर मैं में आया और सीरीज में ग्रोथ ले लिया और यहां पे 2 कर दिया, तो लीनियर में क्या हुआ, एडिशन हो रहा था, ग्रोथ में मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन यहां होगा, यहां पे देखिए ये आपका मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 2 × 2 × 4 × 4 × 2 × 8 इस तरह से कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते चला। इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जस्टिफाई में एक आपका आता है डेट का, इसका डेट का हम यूज करते हैं। अब यहां हम एक डेट को टाइप कर, हमने डेट टाइप कर लिया और यहां हमने जस्टिफाई में जैसे सीरीज में आया डेट, और डेट में अगर आपने डेट सिलेक्ट किया तो जो नॉर्मल ड्रैग करते हैं वही होगा, लेकिन इसी में अगर आपने सिलेक्ट कर लिया वीक डे
इसमें सैटरडे संडे का डेट नहीं आएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सैटरडे संडे का डेट नहीं आएगा। उसी तरह से जस्टिफाई में आप आइए, सॉरी माफ कीजिए, जस्टिफाई की बार बार बोल रहा है, सीरीज में, सीरीज में आइए मंथ, ये आपका मंथ दे देगा। सीरीज में आप आइए यहां पे ईयर, ईयर दे देगा। तो सीरीज जो होता है सीक्वेंस करने के लिए होता है, आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन है जस्टिफाई का, जिसको मैं दो तीन बार गलती से बोल दिया हूं, तो जस्टिफाई के बारे में चले सकते हैं। हाँ बोलिए आसिफ जी, कुछ पूछा है? यस सर, अगर सर फ्राइडे में इंडिकेट करेंगे कैसा कर सकते हैं उनको? क्या इधर तो सैटरडे एंड संडे नहीं, वो फिक्स है सर, फिक्स है। चलिए अब जस्टिफाई की बात कर लेते हैं। हमने मान लीजिए कुछ नेम ऑफ लिस्ट यहां आप दे रखे हैं, हालांकि जस्टिफाई का यूज 2016 तक हुआ है, 19 ऑफिस 365 में इसका यूज घट गया, क्योंकि इसके लिए फंक्शन आ गया। मान लीजिए मुझे नेम को एक ही कॉलम में कॉमा से या स्पेस से सेपरेट करना है, तो इसके लिए कॉन्कैटेनेट फॉर्मूला काफी लेंथी होता है, तो मैं यहां कॉन्कैटेनेट फॉर्मूला को ना लगा के क्या लगाऊंगा, जस्टिफाई। हम कॉलम को बड़ा करेंगे और फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जस्टिफाई कर देंगे। तो जस्टिफाई का मतलब ये नहीं है कि आपके जितने भी सिलेक्टेड डेटा है उसको एक सेल में रख देगा, वो क्या करता है कि कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग जितना वैल्यू आएगा उतनी वैल्यू वो डाल देगा। जैसे मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अब देखिए यहाँ पे जस्टिफाई ये आपका हो गया। अब स्पेस से इसने सेपरेट किया है, आप रिप्लेस, तो फाइनल रिप्लेस वाले ऑप्शंस होते हैं, उससे आप स्पेस को कॉमा से रिप्लेस कर सकते हैं। वापस इसको सही करना हो, जैसे कि रो वाइज लाना हो, तो कॉलम के साइज को छोटा कर ले और फिर इसको यहां से जस्टिफाई कर दे। ओके, ये देखिए आपका जस्टिफाई। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा सर, तो ध्यान क्या रखेंगे कि आपके जो फिगर्स है वो तो कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग ही जाए, लेकिन अगर आपके पास ऑफिस 365 या 2019 है तो आपके पास टेक्स्ट ज्वाइन नाम का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने लगाया आपके सामने, टेक्स्ट ज्वाइन सेपरेटर क्या चाहिए, कॉमा चाहिए, क्या ब्लैंक को इग्नोर करना है, अब बोला यस करना। ये टेक्स्ट टू कॉलम वाला काम कर रहा है क्या इसमें जस्टिफाई? नहीं, जस्टिफाई टेक्स्ट टू कॉलम नहीं, मर्ज और मर्ज करता है, या फिर उसको सिंपल बात समझिए, जस्टिफाई का काम होता है कि आप के कॉलम के अंदर में जितना डेटा आप आएगा उतना ही आएगा। अब वर्ड है तो जस्टिफाई करते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं वर्ड का जस्टिफाई आपको समझाता हूँ, पहले 10 मिनट आएगा जी सर। और खोलने दीजिए। अब मैं यहां पे लिखा इक्वल RMB RAM, इसे क्या होता है रैंडम हमें फिल आया। अब आप यहां पे देखिए कि किसी एक कॉलम बड़ा है, किसी एक कॉलम छोटा है, दिख रहा है सर? जी सर। इस लेफ्ट साइड से इसने क्या किया है, इक्वल किया हुआ है। राइट साइड में अब मान लीजिए यहां पे जो वर्ड था वो था आपका पास्टेड, तो यहाँ पे पेस्ट जो था वो पेस्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, इसलिए इसने यहाँ पे नहीं था। तो आप चाहते कि नहीं, जिस तरह से यहाँ अलाइन है उस तरह से दूसरे साइड से भी अलाइन हो, इसको सेलेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ये रहा आपका जस्टिफाई, रहा ना सर? जी जी सर, हो गया सर? हाँ सर, इक्वल हो गया दोनों साइड से। तो सेम चीज आपका यहाँ होता है एक्सेल में, कि वो कॉलन में जितना आ सकेगा उतना डाल के जस्टिफाई कर देगा।
समझ गए जी सर, इसका काम जस्टिफाई करेगा। छोटा हुआ तो वो क्या करेगा, तोड़ के नीचे डाल देगा, बड़ा हुआ तो फिर उसको एक भी कर देगा, जितना आ सकेगा उतना कर देगा। जी सर, जस्टिफाई के बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है, वो आता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पे आपको हम असाइनमेंट देने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे आप कुछ नेम ऑफ लिस्ट लिखते हैं, जैसे कि पूजा सिंह, शर्मा, गीता रंजन, ऐसे कुछ नाम्स है, मुझे इसमें सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना है। तो टेक्स्ट टू कॉलम ना करके मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा सिर्फ पूजा लिखूंगा, एंटर पेस करूंगा, इस पे जाऊंगा और यहां से मैं फ्लैश फिल। तो पूजा को देखेगा और पूजा के पोजीशन के हिसाब से बाकी नीचे की जो चीजें हैं वो चीजें आपको ला देगा। ऐसी सीन और यहां पे हमने कर दिया जस्ट यहां पे फ्लैश फिल। ऐसे हमारे पास डेट्स हैं, मुझे डेट में से मंथ को अलग करना है, यहां पे अपना मंथ को लिखूंगा और फिर यहां जस्टिफाई कर, सॉरी माफ कीजिएगा, जस्टिफाई कर रहा है, फ्लैश फिल कर दूंगा। आप इसमें सेलेक्ट भी तो नहीं कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक कैसे ले रहा है? ऑटोमेटिक इसके सामने वाला कर्सर को लेता है और उसके हिसाब से करता है। ये थोड़ा सा ज्यादा समझदार ऑप्शन है सर। अच्छा इसने काजू बहुत खाया। अब यहाँ पे नंबर्स है, लेकिन कितना भी काजू खा ले कंफ्यूज तो हो जाता है। आप देखिए कंफ्यूज में कैसे करता है इसको। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे जैसे डेसिमल प्लेसेस को अलग करना है, तो 0.36 लिखा और फिर इसको हमने जितने पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स आपके अलग हो गए सर। तो जस्टिफाई क्या करता है कि सामने वाले कॉलम में जो वैल्यू है जो आपने टाइप किया है उसको मैच करता है, उस पार्ट्स को लेके नीचे तक वो अलग कर देता है। जैसे कि इसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कर दिया है, जैसे कि इसने डेट कर दिया है, इसे नंबर कर दिया, तो कोई भी चीज आप यहां अलग कर सकते हैं। टेक्स्ट कॉलम की जगह पे आप इसको उसी हिसाब से अलग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिक्वेंस मैनेज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कुछ डेटा है, कभी कभी क्या जब टैली से या किसी चीज से डेटा डालते हैं तो पूरा एक साथ आ जाता है कि पूजा सिंह या कॉमा न्यू दिल्ली यहाँ पे HR डिपार्टमेंट और मोबाइल नंबर हमने दिए, समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं और इसमें जरूरी नहीं कि एक ही है। अब न्यू दिल्ली है, इसमें कहीं पे लगा हुआ है न्यू दिल्ली 11062, इस तरह से भी लगा हुआ है। कहीं पे है पूजा सिंह ही है, सिर्फ शर्मा नहीं है, सिंह है, लेकिन लास्ट में मोबाइल नंबर जरूर है। तो मुझे इसका मोबाइल नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करें, बस एक मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया और फिर इसको फ्लैश फिल कर दिया। बाकी अपने आप अलग, अब जरूरी नहीं कि मोबाइल नंबर एक डिजिट का हो, मतलब डिजिट कम ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं है, वो मैच कर लेगा उसी हिसाब से अलग कर देगा सेपरेट। ये जो फ्लैश फिल है सर, हर वर्क के लिए सक्सेसफुल है क्या सर ये कमांड? जी हाँ, कुछ चीजें हैं इसमें प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मुझे मिडिल नेम अलग करना है तो मिडिल नेम अलग नहीं हुआ क्योंकि सब में मिडिल नेम नहीं है। जी जी सर, तो उसमें क्या हुआ कि कुमार सिंह दोनों अलग कर देगा। बोलिए आवाज सर, क्या
difference hai matlab between flush and right function, matlab right function bhi agar isa lekhenge to wo kar sakte. राइट फंक्शन में प्रॉब्लम ये होती है कि नंबर ऑफ डिजिट प्रिंट करना पड़ता है ना. आप इसे इसी में देख लीजिए ना, सिंह शर्मा यहाँ पे दिख रहा है रंजन, हर किसी का अलग अलग लेंथ है ना. ठीक सर. अब मैंने बोला था कि मैं इसको कंफ्यूज कर सकता हूँ कितना भी क्यों काजू काले, कंफ्यूजन तो होगी इसको. कैसे कंफ्यूज होगा यार, हमने लिख दिया 25 रुपीज 20 पैसा. अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां 0.25 कर दिया. अब ये कंफ्यूज होके क्या करेगा कि वो डेसिमल को ना हटा के फर्स्ट को हटा. तो क्या है, जब टाइप करते हैं तो पहले जो है इधर फर्स्ट को मैच करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैच करते हुए आता है. इसने फर्स्ट को मैच किया, 25 मिल गया, उसे भी हाफ से नीचे का सरा उठा के दे दिया. लेकिन सर हमने जीरो मेंशन किया ना पहले, जीरो पॉइंट से बात है. अगर जीरो ने हम यहाँ पे 0.25 भी कर दे फिर भी वो स्पेशल करैक्टर को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो रीड नहीं करता. अच्छा, ओके ओके, मान लेता है. तो कैसे हो, तो जोड़ी नहीं है कि हम पहले नहीं लिखे, हम यहाँ लिख देते हैं 0.12. ओके, तो जोड़ी नहीं है कि आप पहले ही सेल पे लिखे. आपको ऐसा लग रहा है कि इससे दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूज हो सकता है फॉर्मूला, तो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं. अब अगला ऑप्शन हमारा आता है, वो आता है क्लियर. अब मान लीजिए मुझे इसको हटाना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं. तो डिलीट करने से क्या होता है कि इसकी जो लिंक होती है वो आपका प्रॉब्लम होती हो जाता है. इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, लिंक कर दिया. अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ RF का एरर आ जाएगा. दूसरा, आपने देखा पूरा डेटा यहाँ, माने कि पूरा जो है शिफ्ट हुआ और यहाँ पर आ गया. सो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है. मुझे जस्ट इसको जगह नहीं खाली करनी है ना, तो इसी से मुझे मतलब है ना. तो क्यों ना मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर दूं, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. ऐसे आपका क्लियर फॉर्मेट, जस्ट फॉर्मेटिंग क्लियर होगा. यही आपका क्लियर कंटेंट्स, कंटेंट क्लियर होगा. मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, एंड्रो कर रहा हूँ, वापस आ जा रहा है. क्लियर नोट्स कर सकते हैं, क्लियर हाइपरलिंक कर सकते हैं. तो आज के ऑप्शंस में हमने आपके सामने टेबल दिखाया, सेल फॉर्मेट बताया, डिलीट इंसर्ट करना सिखाया, और साथ में ऑटो सम, फिल एंड क्लियर की चीजें हमने बताई. तो ये काफी ज्यादा है आप लोगों के लिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए. और आज का असाइनमेंट है आप लोगों के लिए कि फ्लैश फिल के मुझे तकरीबन 20 एग्जाम्पल चाहिए जी. ठीक है सर, 20 एग्जाम्पल की शीट्स बनाएं और बना के मुझे मेल करें. तो आपके मेल के लिए अपना मेल बॉक्स ओपन करके रेडी रहूंगा. ठीक है सर, मिलते हैं कल सेम टाइम. ओके बाय. Bye.